लकड़ी काटने वाली चैनसो मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान क्राफ्ट का चैनसो मशीन है ये। देखिए, ये चैनसो मशीन का मॉडल नंबर है KKC SP6522। यह चैनसो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। फ्यूल टैंक का कैप खोलेंगे और फ्यूल चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूल इसमें बहुत कम है। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डाल देते हैं, इसके बाद मशीन स्टार्ट करके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल डालना पड़ता है। एक लीटर पेट्रोल में 40 ml और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml। मैंने पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स कर दिया है। टूटी ऑयल डालना बहुत ही जरूरी है। पेट्रोल में आप किसी भी तरह का ऑयल ना डालें। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है सर्वो का टूटी ऑयल। टू स्ट्रोक इंजन ऑयल, मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे स्विच को तो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लिखा हुआ है। तो चलिए स्विच को ऑन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ स्विच ऑन हो गया है। अब मैं चैनसो मशीन को स्टार्ट करके देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, यहाँ पर चॉक लीवर लगा हुआ होता है, बट इसमें चॉक लीवर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर चॉक लीवर लगा हुआ रहता है, बट इस मशीन में चॉक लीवर नहीं है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैप को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। एयर फिल्टर के ऊपर में एक नट लगा हुआ है, इस नट को आप इस तरह से खोल लीजिए। ये देखिए, एयर फिल्टर है। ये देखिए, एयर फिल्टर में बहुत ही ज्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो इसे हम पेट्रोल से वॉश करने के बाद लगाएंगे। प्लग कैप को इस तरह से खोलकर हटाएंगे, इसके बाद प्लग रेंच लेंगे। प्लग रेंच लेने के बाद प्लग को खोलेंगे और करंट चेक करेंगे। स्पार्क प्लग को प्लग रेंज की मदद से बहुत ही आसानी से आप खोल सकते हैं। इस तरह से स्पार्क प्लग को खोल लीजिए आप। ये देखिए, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो जब हम फिट करेंगे स्पार्क प्लग को, कार्बन को साफ कर लेंगे, इसके बाद फिट करेंगे। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए सिलेंडर कवर को खोलना होगा। खोल कर करंट को चेक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 5 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है 4 mm का। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस तरह से सभी बोल्ट को खोल लें। जब आप सभी बोल्ट को खोल लेंगे तो इस तरह से सिलेंडर कवर आपका बाहर आ जाएगा। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए हमें स्पार्क प्लग को प्लग कैप में इस तरह से लगाना होगा। स्विच ऑन करके और रिकॉइल स्टार्टर को खींचकर आप करंट चेक कीजिए इस तरह से। करंट चेक करने के लिए स्विच ऑन होना चाहिए। प्लग को प्लग कैप में आप अच्छे से लगा लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है, स्पार्क प्लग में करंट आता है, मशीन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सेलेटर लेने पर मशीन अचानक से बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप एक नया स्पार्क प्लग को लगा कर देखिए। 12 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर मैं इस नट को खोल दिया हूँ। ब्रेक वैन चैन और चैन बार, ये तीनों को मैं निकालने वाला हूँ। नट खोलने के बाद आप ब्रेक वैन को इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए लॉक रहता है, लॉक को इस तरह से आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ब्रेक वैन को आप इस तरह से ओपन करने के बाद आप इस तरह से खींचकर बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए चैन और चैन बार, ये दोनों को भी बाहर निकाल लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद मशीन को रेस करके हम चेक करेंगे, इसलिए मैंने चैन और चैन बार दोनों खोल दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पार्क प्लग को मैंने फिट कर दिया है। प्लग रेंच से इसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे आप अच्छे से टाइट करके लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चॉक लीवर इस मशीन में नहीं है, तो हाथ से हम चॉक को लगा दिए हैं। ये देखिए, अभी मशीन चॉक में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चॉक में मशीन को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, चॉक में भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए चॉक से हटा देते हैं। अब मशीन चॉक में नहीं है, तो फिर से स्पार्क प्लग को हम खोलेंगे। प्लग रेंज की मदद से हम स्पार्क प्लग को खोलेंगे। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं सिलेंडर में पेट्रोल डाल रहा हूँ। तो इस तरह से पेट्रोल डालकर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्पार्क प्लग को टाइट करने के बाद प्लग कैप को आप अच्छे से लगा दीजिए। सिलेंडर में पेट्रोल डालने के बाद मशीन स्टार्ट होकर बंद हो गया है।
ये देखिए कार्बोरेटर में ऊपर की तरफ एक स्क्रू है, इसे हम स्क्रू ड्राइवर से दो बार टाइट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कार्बोरेटर में दो स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए ये एल स्क्रू है, इसके बगल में आपको एक और स्क्रू दिख रहा है, ये देखिए ये एच स्क्रू है। यह दोनों स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से मिलाकर ट्विनिंग सेट करेंगे। ट्विनिंग सेट करने के लिए आपको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एच स्क्रू को मैं एक बार टाइट कर रहा हूँ। एच स्क्रू को हमने एक राउंड टाइट कर दिया है। अब चलिए मशीन स्टार्ट करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेनसो मशीन स्टार्ट होने का मोमेंट बना रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोनों स्क्रू को मिलाकर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्रू है, एल स्क्रू को मैं एक बार ढीला कर रहा हूँ। एल स्क्रू को मैं एक राउंड ढीला कर रहा हूँ। अब मशीन स्टार्ट करके चेक करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से हम ट्यूनिंग सेट करेंगे। तो चलिए फिर से हम सेट करेंगे ट्विनिंग को। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्रू को मैं तीन बार टाइट करूँगा। एल स्क्रू को मैं तीन राउंड टाइट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर मशीन को स्टार्ट करेंगे। चेनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। एच स्क्रू को हम दो बार ढीला करेंगे। एच स्क्रू को हमने दो राउंड ढीला कर दिया है। एल स्क्रू को हम एक बार टाइट करेंगे। एल स्क्रू को हमने एक राउंड टाइट कर दिया है। ये देखिए स्क्रू जो है वो फुल टाइट हो गया है, अब स्क्रू टाइट नहीं हो रहा है। एल स्क्रू को हमने फुल टाइट कर दिया है। अब चलिए एच स्क्रू को भी हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पर एच स्क्रू को मैं दो राउंड टाइट करूँगा तो ये फुल टाइट हो जाएगा। ये देखिए एच स्क्रू फुल टाइट हो गया है। एच और एल स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद दो दो राउंड आपको ढीला करना है। एच स्क्रू को हम दो बार ढीला कर रहे हैं, एल स्क्रू को भी दो बार यहाँ पर ढीला करना है। चलिए अब हम मशीन को फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए अब हम मशीन को चौक में स्टार्ट करके देखेंगे। जैसा कि आपने देखा चौक लीवर इस मशीन में नहीं है, तो हाथ से हम चौक को लगाएंगे। अभी हमारा मशीन चौक में है। चलिए चौक में मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कार्बोरेटर का ट्विनिंग सेट करने के बाद भी मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। स्पार्क प्लग भी शॉर्ट हो सकता है। स्पार्क प्लग जब भी शॉर्ट करता है तो मशीन इसी तरह से रुक रुक कर चलता है। एक्सेलेटर लेने पर मशीन अचानक से बंद हो जाता है। तो ऐसे में हम एक नया स्पार्क प्लग को लगाएंगे और मशीन स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए न्यू स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का जो गैप है वो आप देख सकते हैं। स्पार्क प्लग में इस तरह से गैप होना चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पार्क प्लग आपका बिल्कुल सही है। आपका मशीन स्टार्ट होकर बंद हो रहा है या रुक रुक के चल रहा है, तो आप सबसे पहले स्पार्क प्लग को चेंज करके देखें, एक नया स्पार्क प्लग को लगा कर देखें। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद मशीन एक बार स्टार्ट हुआ और बंद हो गया। तो चलिए फिर से हम ट्विनिंग को सेट करते हैं। कार्बोरेटर में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे आप स्क्रू ड्राइवर से एक बार टाइट करके देखें।
जैसा कि अभी आपने देखा एक्सेलेटर को जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो मशीन बंद हो जाता है। अब आपको यहां पर फिर से स्पार्क प्लग को खोलना है। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग हमने सेट कर दिया है और स्पार्क प्लग को भी चेंज करके देख लिया है। स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है। पिस्टन रिंग और सिलेंडर ये सभी को हम चेक करेंगे। ये सभी को चेक करने के लिए हमें कार्बोरेटर और साइलेंसर दोनों को खोलना होगा। कार्बोरेटर को बाहर निकालने के लिए हमें दो एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। कार्बोरेटर में ऊपर की तरफ एक पाइप लगा हुआ है, उसे आप इस तरह से खोल लीजिए। एक और आपको पाइप दिखेगा, इसे भी आप खोल लीजिए। ये देखिए नीचे वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, इसमें पेट्रोल आता है। इस पाइप में हम एलेंकी डाल देंगे ताकि जो पेट्रोल टंकी में पेट्रोल है वो बाहर ना गिरे। कार्बोरेटर से एक्सेलेटर रड को इस तरह से अलग कर लीजिए। ये देखिए ये एक्सेलेटर रड है, ये एक्सेलेटर रड यहाँ पर लगता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कार्बोरेटर है ये वाल्बोरो का है, वाल्बोरो का कार्बोरेटर है ये, आप देख सकते हैं। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये सभी को हम चेक करेंगे। अगर ये सब सही रहेगा तो हम एक नया कार्बोरेटर इस मशीन में लगाकर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्लेंज को आप आराम से निकाले हाथों से, और फ्लेंज को निकालने के बाद आप चेक कर ले ये फ्लेंज सही होना चाहिए। अगर ये फ्लेंज आपका कटा हुआ है या आपको डैमेज लग रहा है तो आप इसे चेंज करें, नहीं तो इसके वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अब हमें मैनिफोल्ड ब्रैकेट को निकालना है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट निकालने के लिए हमें दो एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। दोनों 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। एक एलेंकी बोल्ट खुल चुका है 4 mm का, एक और एलेंकी बोल्ट देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इस बोल्ट को भी आपको खोल लेना है 4 mm का एलेंकी लेकर। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले कार्बोरेटर गास्केट को निकालना है। ये देखिए कार्बोरेटर गास्केट है ये। ये भी गास्केट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर फटा हुआ है तो आप इसे चेंज कीजिए, एक नया कार्बोरेटर गास्केट लगाइए। ये देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ मैनिफोल्ड ब्रैकेट को। मैनिफोल्ड ब्रैकेट को आप आराम से निकालिए इस तरह से, और निकालने के बाद आप चेक कर लीजिए। एक नट यहाँ पर लगा हुआ है, एक और नट यहाँ पर है, दोनों को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। ये दोनों नट बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर ये मैनिफोल्ड ब्रैकेट आपको कहीं पर डैमेज लग रहा है या टूटा हुआ लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए, नहीं तो इसके वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। नट स्लिप हो गया है, कार्बोरेटर बोल्ट टाइट नहीं होता है, तो ऐसे में आप मैनिफोल्ड ब्रैकेट को चेंज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंसुलेटर को बाहर निकालूंगा। इंसुलेटर को बाहर निकालने के लिए आपको दो एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस दोनों बोल्ट को खोल लीजिए। इंसुलेटर जब भी आप खोलेंगे, इंसुलेटर खोलने के बाद आपको गास्केट को चेक करना है। ये देखिए गास्केट लगा हुआ है, इसका जो गास्केट है वो बिल्कुल सही है। इंसुलेटर को भी आप घुमा घुमा कर इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको फटा हुआ दिख रहा है या डैमेज लग रहा है तो आप इंसुलेटर को चेंज कीजिए। ये जो इंसुलेटर है यह कहीं पर भी फटा हुआ नहीं है, ये इंसुलेटर बिल्कुल सही है। इंसुलेटर अगर फटा हुआ रहेगा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए ये है पिस्टन, सिलेंडर में जो पिस्टन लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है पिस्टन में। फ्लाईव्हील को हाथों से घुमाकर इस तरह से हम पिस्टन को चेक कर लेंगे। पिस्टन और रिंग ये दोनों को चेक कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिस्टन में कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है, पिस्टन डैमेज नहीं लग रहा है, और रिंग भी इसका बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर तरफ से हमने रिंग पिस्टन को चेक कर लिया है, सही लग रहा है। अब मैं साइलेंसर साइड से भी चेक करूंगा रिंग और पिस्टन को। साइलेंसर को बाहर निकालने के लिए आपको दो एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है 4 mm का। दोनों एलेंकी बोल्ट है, दोनों एलेंकी बोल्ट को आप खोल लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर में नट दिखेगा 8 नंबर का। 8 नंबर का जो नट है उसे आप टी रेंच से खोल सकते हैं, या आपके पास और भी कोई रेंच है 8 नंबर का तो उससे भी आप खोल सकते हैं। ये देखिए साइलेंसर बाहर आ गया है। साइलेंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। साइलेंसर बोल्ट और साइलेंसर गास्केट दोनों को आप बाहर कर दीजिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको रिंग और पिस्टन। तो ये देखिए फ्लाईव्हील को आप हाथों से इस तरह से घुमाइए, पिस्टन अप डाउन होगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए पिस्टन को, ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। ये देखिए पिस्टन जो है ये बिल्कुल सही है, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है पिस्टन में, और रिंग भी इसका बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर साइड से और साइलेंसर साइड से दोनों तरफ से हमने चेक कर लिया है रिंग और पिस्टन को, ये दोनों बिल्कुल सही है, और सिलेंडर में भी कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है। इस मशीन का जो सिलेंडर है वो भी बिल्कुल सही है। ये देखिए इंसुलेटर में जो गास्केट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इंसुलेटर का जो गास्केट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर फटा हुआ गास्केट लग रहा है तो आप इस गास्केट को चेंज कीजिए, एक नया इंसुलेटर गास्केट लगाइए। इंसुलेटर में देखिए दो बोल्ट लगा हुआ है, 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। दोनों बोल्ट को पहले आप हाथों से फंसा लीजिए, इसके बाद आपको 4 mm का एलेंकी लेना है। 4 mm का एलेंकी लेकर दोनों बोल्ट को आप पहले फंसा लीजिए, उसके बाद फुल टाइट कीजिए। आगे भी आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो किसान मशीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए अब मैं फिट कर रहा हूँ मैनिफोल्ड ब्रैकेट। मैनिफोल्ड ब्रैकेट को आप इस तरह से आराम से इंसुलेटर में लगाइए। ये देखिए मैनिफोल्ड ब्रैकेट
मिनट जब ये इंसुलेटर में आराम से लग जाए, इसके बाद आपको पाइप को अंदर करना है। ये देखिए एक पाइप है, इस पाइप को आप इस तरह से अंदर डालिए। हाथ से आपको पाइप अंदर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लास लेकर इस तरह से अंदर कर लीजिए पाइप को। ये देखिए ये है कार्बोरेटर गास्केट, तो कार्बोरेटर गास्केट को भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कार्बोरेटर गास्केट में आप पहले पाइप को डाल दीजिए, जैसा कि आपने देखा अभी कार्बोरेटर गास्केट में एक हॉल है, इस हॉल से आप पाइप को पार कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्लेंजा को लगाना है। ये देखिए फ्लेंजा जो है वो बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखिए फ्लेंजा को आप इंसुलेटर में फिट कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से एलेंकी लेकर, अगर आप एलेंकी लेकर फिट करेंगे तो इंसुलेटर नहीं फटेगा, इसलिए आप एलेंकी का इस्तेमाल करें। जब इंसुलेटर में फ्लेंजा आराम से लग जाए, इसके बाद आपको बोल्ट टाइट करना है। ये देखिए 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट, यह ब्रैकेट में आपको 2 एलेंकी बोल्ट टाइट करना है। दोनों बोल्ट को पहले आप फंसा लीजिए, इसके बाद आप फुल टाइट कीजिएगा। दोनों बोल्ट को आप पहले आराम से फंसा लीजिए, जब फंस जाए इसके बाद आप फुल टाइट कीजिए बोल्ट को। ये देखिए ये है राउंड रिंग, राउंड रिंग लगाना बहुत ही जरूरी है। राउंड रिंग लगाने के बाद आप यहाँ पर हॉल को सेंटर में कर लें। ये देखिए हॉल जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तभी आपका जो कार्बोरेटर का बोल्ट है वो आराम से लग पाएगा। एयर फिल्टर एडेप्टर में 2 एलेंकी बोल्ट डाल दें, यह कार्बोरेटर का बोल्ट है। दोनों बोल्ट को डालने के बाद ये देखिए एक नया कार्बोरेटर है हमारे पास, इस कार्बोरेटर को हम लगाएंगे और मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। कार्बोरेटर आप फिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेलेरेटर का जो रड है उसे आप फिट कर लीजिए। ये देखिए एक्सेलेरेटर रड है, एक्सेलेरेटर रड को आराम से फिट कर लीजिए। ये देखिए ये छोटा सा एक रिंग है, इस रिंग को आप पाइप में इस तरह से लगा दीजिए। पाइप में लगाने के बाद आप कार्बोरेटर में इस तरह से पाइप को लगाइए। नीचे में भी एक पाइप है, देख सकते हैं पेट्रोल पाइप, इसे भी आप आराम से इस तरह से लगा लीजिए। एक्सेलेटर रड को हमने फिट कर दिया है, एक्सेलेटर लेकर यहाँ पर हम चेक कर लेंगे ये अच्छे से वर्क कर रहा है। पेट्रोल पाइप और यहाँ पर एक वायर है, इस वायर को दोनों को आप अलग कर लीजिए। दोनों को अलग करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है एयर फिल्टर एडेप्टर। इस एयर फिल्टर एडेप्टर में आप देख सकते हैं 2 एलेंकी बोल्ट। कार्बोरेटर का बोल्ट टाइट करने से पहले फ्यूल पाइप को आप अलग कर लीजिए, इसके बाद कार्बोरेटर बोल्ट को टाइट कीजिए। कार्बोरेटर में आप देख सकते हैं 2 एलेंकी बोल्ट लगता है। दोनों बोल्ट को पहले आप फंसा लीजिए, इसके बाद इसे फुल टाइट कीजिए। दोनों एलेंकी बोल्ट 4 mm का है, 4 mm का एलेंकी लेकर आप इसे फुल टाइट कर दीजिए। कार्बोरेटर का दोनों एलेंकी बोल्ट जब आप फुल टाइट कर ले, उसके बाद आप एक्सेलेटर लेकर इस तरह से चेक कर लीजिए, वर्क कर रहा है। चलिए अब मैं फटाफट से स्पार्क प्लग को फिट कर लेता हूँ। स्पार्क प्लग को पहले आप हाथों से इस तरह से फंसा लीजिए, जब ये फंस जाए उसके बाद आपको प्लग रेंच लेना है। प्लग रेंच की मदद से आपको इसको फुल टाइट करना है स्पार्क प्लग को। स्पार्क प्लग को टाइट करने के बाद स्पार्क प्लग का जो कैप है इसे आप अच्छे से लगा दीजिए। टाइट करके आपको कैप लगाना है, स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे आप टाइट करके लगाइए। स्पार्क प्लग का जो कैप है वो अगर ढीला रहेगा तो आपका मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। चलिए चौक में हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो चौक हमने ले लिया है, अभी हमारा मशीन चौक में है। चौक में मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा। जैसा कि अभी आपने देखा नया कार्बोरेटर लगाने के बाद मशीन एक बार में स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए फिर से चेक करते हैं। एक किक मारने पर मशीन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो मशीन है वो बिल्कुल सही हो गया है नया कार्बोरेटर लगाने के बाद। चलिए सब कुछ सेट करने के बाद हम मशीन एक बार फिर से स्टार्ट करके चेक करेंगे। चैन और चैन बार लगाकर स्टार्ट करके अच्छे से चेक करेंगे हम मशीन को। फुल एक्सेलेटर को प्रेस करके मशीन को अच्छे से चेक करेंगे। साइलेंसर लगाने से पहले आप साइलेंसर गास्केट को चेक कर ले। अगर साइलेंसर गास्केट कटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए। साइलेंसर गास्केट अगर कटा हुआ रहेगा और आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मशीन है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड करेगा। ऐसे में आप एक नया साइलेंसर गास्केट को लगाएं, साउंड कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ हमने 8 नंबर का बोल्ट लगा दिया है और नीचे में आपको 2 एलेंकी बोल्ट लगाना है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। दोनों एलेंकी बोल्ट आपको फंसा लेना है, फुल टाइट नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऊपर का जो नट है उसे टाइट करना है। 8 नंबर का नट फुल टाइट करने के बाद 2 एलेंकी बोल्ट नीचे में है, इसे आप फुल टाइट कर दें। सिलेंडर कवर लगाने के लिए हमें स्पार्क प्लग को खोलना होगा। प्लग कैप को आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद स्पार्क प्लग को प्लग रेंज की मदद से खोल लीजिए।
एयर फिल्टर एडेप्टर में आपको एक रबड़ लगाना है। ये देखिए एक छोटा सा रबड़ है, एयर फिल्टर एडेप्टर में आप इस तरह से रबड़ को लगा लीजिए। ये देखिए न्यू चॉक लीवर है, ये देखिए चॉक लीवर इस मशीन में नहीं था, चॉक लीवर मैं इस मशीन में लगा रहा हूँ। चॉक लीवर को आप इस तरह से पहले फंसा लीजिए, फंसाने के बाद एक रबड़ है उसे आप अच्छे से बैठा लीजिए, उसके बाद एक और आपको छोटा सा रबड़ दिखेगा इसे आप इस तरह से बैठा लीजिए, उसके बाद आपको कवर लगाना है। हमारे YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। आप किस तरह से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कौन सा मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊँ, जिस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊँगा। और क्या मैं आपसे पार्टनरशिप कर सकता हूँ, हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए। शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास टेक्नीशियन नहीं है, देखे जरा आसपास ना। किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। लकड़ी काटने वाला चैनसो मशीन लेना चाहते हैं या ग्रास कटर लेना चाहते हैं घास काटने के लिए, गेहूँ काटने के लिए, धान काटने के लिए, फॉगर मशीन, पावर टिलर, लॉन मूवर, ये सभी मशीन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सभी मशीनों का लिंक डाल दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप मशीन को आराम से घर बैठे ही खरीद सकते हैं। घर पे ही आप अपने मशीनों का रिपेयरिंग करना चाहते हैं और आपके पास टूल किट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप टूल किट को घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ऑर्डर कीजिए लिंक पे क्लिक करके और घर बैठे ही आप अपने मशीनों का रिपेयरिंग कीजिए। स्पार्क प्लग को लगाने के बाद स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे आप अच्छे से टाइट करके लगाइए, ये ढीला नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। एयर फिल्टर आप देख सकते हैं, मैंने एयर फिल्टर को क्लीन कर दिया है पेट्रोल से। ये जो आप एयर फिल्टर देख रहे हैं इस एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं, पेट्रोल से वॉश करके लगाइए एयर फिल्टर को। अगर आपने अभी तक किसान मशीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनके पास ये मशीन है स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लकड़ी काटने वाला चैनसो मशीन हो या ग्रास कटर हो घास काटने के लिए, अदर आपके पास और भी कोई मशीन है और आप स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। जो भी स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए वो सब मैं आपको दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। घर पे ही आप अपने मशीनों का रिपेयरिंग कर रहे हैं और आपका मशीन नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे पास मशीन को भेज सकते हैं, मैं आपको मशीन बनाकर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पे आप मशीन को भेज सकते हैं। अगर आपको मशीन रिपेयरिंग करवाना है हमसे तो आप मशीन को भेज सकते हैं हमारे पास, कुरियर के द्वारा आप मशीन को हमारे पास भेजवा सकते हैं, मैं आपको बनाकर कुरियर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं स्पेयर पार्ट्स लेना, आपका मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट्स डैमेज है, आप चाहते हैं मैं खुद से उस मशीन को बना लूं तो आपको मैं स्पेयर पार्ट्स भी दे दूंगा, आप मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप स्पेयर पार्ट्स को फिट नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊँगा।